हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्वाति की देसी रसोई में आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब आप समझते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अगर कोई बैचलर भी है ना तो वही बनाकर खा सके ऐसा चिकन करी की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ तो वीडियो के केन्द्र तक बने रहिएगा चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना तो चलिएगा फिर देर की बात की है बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा आज का चिकन करी बनाने के लिए मैंने एक किलो चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है तो चलिएगा कुछ मसालों से हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं तो चलिएगा मैंने इसके अंदर एक चम्मच कोई भी चिकन मसाला ऐड कर दिया है एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और दो चम्मच भर के मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी तो चलिएगा अब सिक्सटी सिक्स जी की स्पीड से हम इसको फटाफट से मिला लेते हैं तो चलिएगा मिलाने के बाद हम इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तो चलिएगा जब तक चिकन मैरिनेट होता है तब तक हमने रख दिया है कढ़ाई मोटे तले की जिसके अंदर डाल दिया है एक से डेढ़ कड़छी सरसों का तेल मतलब कि मस्टर्ड ऑयल कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं साठ से आठ लौंग ले लिए हैं दस से बारह काली मिर्च दो छोटी इलायची एक बड़ी इलायची थोड़ी सी जावित्री के फूल दो दालचीनी के डंडिया और दो ही मैंने इसके अंदर तेजपात के पत्ते ले लिए हैं तो चलिएगा अच्छी तरीके से इसको भुनाई कर लेंगे तो ये मसाला भुन जाएगा तो जितना भी दो से तीन चम्मच हमारा जो पेस्ट बचा है अदरक और लहसुन का वो ऐड कर देंगे तो चलिएगा अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं मर जाता है चलिएगा अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे अच्छी तरीके से जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन नहीं हो जाएगा तो चलिएगा अच्छी तरीके से हमारा अदरक और लहसुन भुन चुका है अब हमने प्याज काट करके रखी है ये चार मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने मोटा मोटा और लंबा लंबा साइज में कट करके लिया है तो चलिएगा अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता है और इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है तो चलिएगा अब इसको मैंने चला दिया है तो चलिएगा अब हम इसको थोड़ा सा लिड ढक के रख देंगे ताकि जो लिड ढकने से प्याज क्या होगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और भुनने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी तो चलिएगा लेट ढक के मैंने इसको रख दिया है तीन से चार मिनट के लिए मैंने रख दिया था तो देखिएगा तीन से चार मिनट बाद हमारी प्याज जो है उसका कलर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और अच्छी तरीके से हमारी प्याज जो है वो भुन गई है तो चलिएगा हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे तो चलिए कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं मैंने ये एक से डेढ़ चम्मच चिकन मसाला लिया है तीन चम्मच धनिया पाउडर नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर लिया है हल्दी पाउडर तो चलिएगा अब इन सारे मसालों को इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक भाई तेल और जो पानी है बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता है और हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से महकने नहीं लगता है और अच्छी तरीके से ये भुन नहीं जाता है तो चलिएगा और अच्छी तरीके से भूनने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये जले नहीं सारा मसाला तो चलिएगा मैंने इसके अंदर पानी डाल के अब हम इसको अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे बुनाई करने के बाद ही हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे तो देखिएगा मैंने इसको लिड ढक तो के रख दिया है तो लिड ढकने के बाद ये जब मसाला अच्छी तरीके से पक गया था लिड को मैंने हटा दिया है आप देख ही सकते हैं सारा जो ऑयल है बिल्कुल सरफेस पर आ गया है और थोड़ा सा लग भी गया था मसाला पर कोई बात नहीं है कोई जल जलने की स्मेल नहीं आएगी अच्छी तरीके से हमारा मसाला जो है भुन गया है तो चलिएगा जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है अब हमने इसके अंदर ये भी डाल दिया है अब इसकी भी इतनी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है ना हमें कि प्याज के अंदर ही हमें चिकन को इतना ज़्यादा भून लेना है कि कम से कम सिक्सटी परसेंट कुक तो इस टाइम पर ही हो जाए बाद में हम फोर्टी परसेंट इसको पानी डाल के कुक करेंगे पहले सिक्सटी परसेंट हम इसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं तो चलिएगा मैं इसको लिड ढक के फिर रख दूँगी ताकि प्याज का जो है पानी छोड़ दे प्याज और अच्छी तरीके से हमारा चिकन उस प्याज के पानी में ही अच्छी तरीके से भुन जाए तो देख ही सकते हैं आप चिकन ने और प्याज ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और अभी मैंने इसके अंदर पानी डाला भी नहीं है तो कितना सा मतलब लग रहा है कि मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है पर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है अभी इसी तरीके से हमें इसकी बुनाई करनी है कम से कम दस से बारह मिनट तक के लिए जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और अच्छी तरीके से यह बुन भी जाता है और जो प्याज होता है वो प्याज भी अपना एक्स्ट्रा पानी रिलीज कर देती है तो मैंने इसके अंदर एक चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से चिकन भुन जाने पर हम इसके अंदर अपने अनुसार पानी ऐड कर देंगे जितना भी आपको चाहिए कम या ज़्यादा तो भाई मेरे को तो ज़्यादा पानी चाहिए नहीं था मतलब मीडियम में से मुझे पानी चाहिए था तो मैंने इसके अंदर ना कुल मिला के दो कटोरी पानी का यूज़ किया है अभी मैंने इसको चला के देखा पहले से फिर मेरे को ना थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा लगने लगा इसका जो ग्रेवी है मेरे को चावल के साथ खानी थी ना तो फिर मैंने क्या करा एक कटोरी पानी इसके अंदर और ऐड कर दिया फिर मैंने चलिए अब इसके अंदर एक कटोरी पानी और ऐड कर देते हैं और हो सके तो आप पानी जो है ठंडा ना लें थोड़ा सा गुनगुना या फिर गर्म पानी लें तो मैंने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया है तो चलिएगा चिकन को अच्छी तरीके से मिला देंगे और अच्छी तरीके से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तीन से चार मिनट के लिए पकाना है क्योंकि चिकन ऑलरेडी जो है अच्छी तरीके से भुन गया है भुनने में ही हमारा चिकन जो है अच्छी तरीके से गल गया है तो तीन से चार मिनट बाद हमारा चिकन जो है भाई बन तैयार है आप देख ही सकते हैं इसकी सूरत भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर डाल दिया है एक मुट्टी धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं कट करके और तीन से चार मैंने हरी मिर्च को छोटा छोटा कट करके मतलब इस साइज़ में मैंने कट करके डाल दिया है अच्छी तरीके से इसको मिला दिया है भाई हमारा तैयार है बहुत ही ज्यादा टेस्टी सा, हमारा चिकन करी बनके इसको कोई भी बनाकर खाइएगा सभी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है किसी को भी खिलाएंगे तो भाई आपकी